नमस्कार दर्शकों, कैनल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गुना जिले की बमोरी तहसील के ग्राम पंचायत दोरदा के बोगला गांव की सीमा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव और उनके पतियों द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आजीविका मिशन बमोरी के तत्कालीन अधिकारी नरेंद्र परमार पर 92,000 रुपए की धोखाधड़ी कर 87,000 खाने के आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि आजीविका मिशन बमोरी के अधिकारी नरेंद्र परमार द्वारा सीमा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सुकांति बाई एवं सचिव सुमन बाई सहित समूह की महिलाओं को लालच देकर 92,000 रुपए की राशि समूह के खाते से निकल गई थी। इसमें 5,000 समूह की सचिव और अध्यक्ष को दिए गए, 87,000 स्वयं लेकर चले गए। समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में आरोप लगाते हुए बताया कि सीमा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह बताया गया था कि यह 87,000 रुपए की राशि समूह की आजीविका गतिविधियों के लिए जिला कार्यालय में जमा कराई गई है, लेकिन महिलाओं ने बताया कि उनको बाद में पता चला कि यह राशि समूह की गतिविधि करने के नाम पर आजीविका मिशन बमोरी के अधिकारी नरेंद्र परमार स्वयं का खा गए। कलेक्टर को दिए गए शिकायती आवेदन में सीमा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने संबंधित भ्रष्ट अधिकारी पर कार्यवाही की मांग किया, साथ ही राशि वापस दिलाने की भी मांग की है। देखते रहिए गुना से उमेश राठौर की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह। किस गांव से आए हो? बोंगला से। क्या समस्या लेकर आए हो? वो कि हमारा पहले समूह में पैसा निकल गए थे, तब वो जो लेकर नरेंद्र। कौन नरेंद्र? वहाँ से हमने पैसा निकालते, हम वो पैसे निकालते, वो पैसे हमने दे दे 5,000 रुपए दे दे। कितना पैसा निकाला? 92। 92। तो लेकर कौन चला गया? भाई लेकर चले गए। क्या नाम है? नरेंद्र परमल। तो पैसा किसका था? वो पैसा तो समूह के हाथे, वो निकाल के वो मेरे पैसे करके खुद के वो उठा कर ले गो। समूह का नाम क्या आएगा? सीमा। तो आप क्या चाहते हो? आपने कलेक्टर से शिकायत की है अभी? अभी क्या चाहिए? अभी पैसे चाहिए और खाता भी बंद रहेगा जिनको, हम पैसे चाहिए। अधिकारी तो आप कौन हो? उनमें अध्यक्ष की पत्नी को आपकी पत्नी अध्यक्ष है समूह की? हाँ। क्या नाम है? सुकंती भाई। फिर पैसे निकाल के भाग गए। कौन भाग गया? नरेंद्र परमार। कितना पैसा था आपका? 52,000। किस गांव से आए हो आप? बोंगला से। तहसील कौन सी लगती है? बमोरी। और आपके समूह का नाम क्या है? हत्यागढ़ से पंजाब बैंक। आपके समूह का? क्या नाम है? सीमा समूह। कितनी महिलाएं हैं समूह में? 10। तो सभी का कितना पेमेंट लिया था? 5,000 पकड़ा है तो 2,400 बांट ले हमने सर। बाकी का लेके चला गया? बाकी का पूरा लेके भाग गया। तो आपने अभी कलेक्टर से शिकायत की है, तो क्या मांग रखी है? पैसा वापस हम का जी पैसा चाहिए हमारा। क्या नाम है आपका? केरू। किस गांव से आए हो? बोंगला से। क्या समस्या लेकर आए हो? जैसे कि हम समूह बनाए थे, तो वो समूह बनाए थे, जो क्या नरेन है, सीमा समूह है हमारी, तो नरेन ने हमारे पैसे डाला सही और हम निकालने गए ना, तो नरेन ने पैसे निकाले हमारे। तो कितने पैसे थे आपके? 52,000। 92,000 थे। 92,000 में से निकाल के उनने 5,000 दिए हमारे को। बाकी का उनने निकाला नहीं, क्योंकि वो पैसे निकाल के खा गया, न जाने हमारे को दिया नहीं। कितनी महिलाएं हैं आपके समूह में? 10 महिला। तो आपने अभी कलेक्टर साहब से शिकायत की है, क्या चाहते हो? हम ये पैसे चाहिए कि हम समूह बनाए थे, उसके पैसे क्यों नहीं आए? हम 2-3 बार चले गए, हमारे पास पासपोर्ट भी लगा। वो आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं सुमन का घर वाला हूँ। सुमन कौन है? सचिव समूह की। समूह की। क्या नाम है आपके समूह का पूरा?
सीमा। क्या नाम है आपका? सुमन भाई। किस गांव से आए हो आप? गुमला से। क्या समस्या लेकर आए हो? समूह का। क्या समस्या है समूह? नरेंद्र नरेंद्र परमार पैसा हटाया हमने, वो लेके भाग गया, हमके 5,000 पकड़ा दिया हमारा पैसा। दो सौ कितना कितना लेके भाग गया? 90 लेकर भाग गया। 92,000। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला क्या हुआ? बैंक में गए थे हमने। फिर क्या हुआ? पता चला हमने, तो आपने आज कलेक्टर से शिकायत की है, क्या मांग की है? तो पैसा चाहिए हमारा, पैसा चाहिए।